आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था सेगांव में पिछले 15 दिनों से डीएपी खाद नहीं मिलने पर किसान परेशान हो रहे हैं। वह काम का छोड़कर खाद के लिए संस्था के चक्कर काट रहे हैं, जबकि बोवनी का समय होने के कारण किसानों को डीएपी खाद की अत्यंत आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह मंडलोई ने बताया कि आदिम जाति संस्था में डीएपी खाद नहीं मिलने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बाजार में अधिक दामों पर खाद उपलब्ध है, लेकिन संस्था में नहीं। क्या कारण है? शासन को डीएपी खाद की तत्काल व्यवस्था करना चाहिए। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। को लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? सोसाइटी में यहाँ के क्षेत्र की 5 सोसाइटी है, मतलब सेवा ब्रांच के अंदर 5 सोसाइटी कार्यशील है। उसमें सभी दूर जानकारी निकालने के बाद में कोई भी डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है, और जबकि क्योंकि यहाँ मिट्टी का रकबा बड़ा है, इसलिए बारिश भी होने से किसानों को डीएपी खाद की सख्त से सख्त आवश्यकता है। शासन इस पर तत्काल ध्यान दे रहा है, और तो बाजार में खाद उपलब्ध हो रहता है प्रायोरिटीकरण होने के कारण, जबकि संस्थाओं को 20% ही माल मिल रहा है और बाजार में 80% खाद उपलब्ध हो रहा है। ऐसा शासन को अवगत कराते हैं कि सोसाइटियों में भी पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करा जाए, किसान परेशान नहीं हो। क्या नाम लिखता? राजेंद्र सिंह मंडलोई, अध्यक्ष सहकारिता प्रकोष्ठ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।